हाँ जी दोस्तों, हारमोनियम गुरु लेसन में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक ऐसा गुरु मंत्र शेयर करने वाला हूँ। इस गुरु मंत्र को जानने के बाद आपके लिए गाने बजाने आसान हो जाएंगे, आपके लिए ये पता करना बहुत इजी हो जाएगा कि ये जो गाना है मेरा कौन से थाट के अंदर आता है या फिर कौन से राग के अंदर रहता है, इस गाने का स्केल कौन सा है, मेजर स्केल है कि माइनर स्केल है। एक एक चीज बड़ी डिटेल में बताऊंगा। अगर पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको ये चीज समझ में आएगी, अगर आप सोच रहे कि स्किप करके देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि गाने हमेशा स्केल्स के अंदर होते हैं। अभी वो स्केल कोई भी हो सकता है, मेजर स्केल भी हो सकता है, माइनर स्केल भी हो सकता है। तो आज मैं आपको ये चीज डिटेल में बताऊंगा कि मेजर और स्केल और माइनर स्केल क्या होते हैं और उनमें अंतर क्या होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि हमारा पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मेजर स्केल और माइनर स्केल क्या होता है, क्योंकि ये चीज जानना बहुत जरूरी है। मेजर स्केल वो होता है, पहले तो स्केल समझिए, स्केल होता है जैसे कि मैंने इस सा से शुरू किया और इस सा तक गया, तो ये एक स्केल होगा। सेम यानी कि यहां से शुरू किया और यहां दूसरी कली तक गया तो एक स्केल होगा, यहां से शुरू किया तो यहां तक गया, ये एक स्केल हो गया। अभी इस स्केल के अंदर कोई भी नोट्स आ सकते हैं, यानी कि शुद्ध स्वर भी आ सकते हैं, कोमल स्वर भी आ सकते हैं। एक स्केल के अंदर कोई भी स्वर हो सकता है, शुद्ध भी हो सकता है, कोमल भी हो सकता है। अपन इस चीज को ये मान के चलते सेट ऑफ नोट्स इज कॉल्ड स्केल, बस। ठीक है, सेट ऑफ नोट्स में कोई भी नोट्स हो सकते हैं, कोमल भी हो सकते हैं, शुद्ध भी हो सकते हैं। जैसे कि अभी बिलावल बजा रहा हूं मैं पहली काली से, ये एक स्केल हो गया, इसमें सेट ऑफ नोट्स आ गए सात शुद्ध स्वर। ठीक है, अभी ये स्केल हुआ कौन सा, मेजर स्केल हुआ। अभी मैं आपको फिर पीछे लेके चलता हूं कि मेजर और माइनर में पहले मैं फर्क समझाता हूं। मेजर स्केल वो होते हैं जिसमें शुद्ध गा का यूज हो जाता है, यानी कि शुद्ध गा का ही होता है। यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, मेजर स्केल वो होते हैं या फिर वो राग या फिर वो थाट जिसमें शुद्ध गा का यूज हो गया, उसको मेजर स्केल की कैटेगरी में लेते हैं हम लोग। सेम एज इट इज, माइनर स्केल वो स्केल होते हैं जिसमें कोमल गा का यूज हो जाता है। जैसे ही कोमल गा, जैसे कि राग दरबारी, ये एक माइनर स्केल है। ठीक है, राग भैरवी, ये एक माइनर स्केल है। ठीक है, अभी यही चीज आप देखिए, अगर मैं पहली काली से बजा रहा हूं राग बिलावल, ये एक मेजर स्केल है क्योंकि इसमें शुद्ध गा यूज हो गया। ठीक है, अगर इसको बोलेंगे तो क्या स्केल का नाम देंगे, इसको हम बोलेंगे सी शार्प मेजर स्केल। सेम एज इट इज, मैं अगर दूसरी काली से बिलावल बजाता हूं, यानी कि यहां से बिलावल बजाता हूं, तो ये हो गया डी शार्प मेजर। सेम एज इट इज, मैं तीसरी काली से बिलावल बजाता हूं, इसको बोलेंगे एफ शार्प मेजर स्केल। सेम एज इट इज, मैं चौथी काली से बजा रहा हूं तो इसको बोलेंगे जी शार्प मेजर। सेम एज इट इज, पांचवी काली से बजाऊंगा तो इसको बोलेंगे ए शार्प मेजर। ठीक है जी, और ये है पहली सफेद, जिन्हें कि हम भारतीय संगीत में इसको बोलते हैं सी मेजर, डी मेजर, ई मेजर, एफ मेजर, जी मेजर, ए मेजर और बी मेजर। ठीक है, ये सारे सी डी ई एफ जी ए बी सी। ठीक है, अभी कोई भी गाना भी यहां से बजा, मान चलिए कोई गाना मैं यहां से बजा रहा हूं, मैं मान चलिए प्यार का नगमा यहां से बजा रहा हूं, तो ये हो गया एफ शार्प मेजर स्केल, क्योंकि बिलावल थाट के अंदर मैं, बिलावल राग के अंदर ये गाना बजा रहा हूं, तो ये बजा कहां से रहा हूं, पहली काली से, तो ये एफ शार्प मेजर हो गया। सेम एज इट इज, कोई गाना मैं पहली काली से माइनर स्केल में बजा रहा हूं, माइनर स्केल में कौन से थाट या कौन से राग होंगे जिसमें गा कोमल यूज हो, वो राग या वो थाट जिसमें कोमल गा का यूज हो गया वो माइनर में आएगा, वो थाट या फिर वो राग जिसमें शुद्ध गा का यूज हो गया, जैसे कि कल्याण हो गया, ये भी एक मेजर स्केल क्योंकि उसमें भी शुद्ध, राग भैरव हो गया, ये भी एक मेजर स्केल के अंदर आया क्योंकि इसमें भी शुद्ध गा यूज हो रहा है। बाकी स्वर आजू बाजू में कोमल लग रहे हैं या तीव्र लग रहे हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन जो चेंज आएगा आपका वो शुद्ध गा से चेंज आएगा। अगर राग में शुद्ध गा लग रहा है तो वो एक मेजर स्केल है, अगर राग में कोमल गा लग रहा है तो एक माइनर स्केल है। वो कोई भी राग हो सकता है, कल्याण हो, भैरवी हो, पूर्वी हो, काफी हो, तोड़ी हो, मारवा हो, कुछ भी हो, बस शुद्ध गा और कोमल गा से आप डिफरेंशिएट करेंगे मेजर और माइनर स्केल। ठीक है, सेम मान के चलिए मैं पहली काली से गाना बजा रहा हूं हमें तुमसे प्यार कितना, स्केल का गाना है क्योंकि ये राग भैरवी के अंदर है। अब स्केल क्या हो, सी शार्प माइनर, क्योंकि राग भैरवी में पहली काली से बजा रहा हूं, ये पहली काली से राग भैरवी हो गया।
सेम एनर्जी मान चलिए मैं इसको यहाँ से बजाऊं या तीसरी कली से बजाऊं तो तीसरी कली से एफ, अगर चौथी कली से बजा रहा तो जी शार्प माइनर हो गया, तीसरी कली से बजाया तो एफ शार्प माइनर हो गया, दूसरी कली से बजाया तो डी शार्प माइनर हो गया, मतलब कि स्केल वही रहेगा, इसको सी शार्प बोलेंगे डी शार्प ही बोलेंगे, लेकिन फर्क आ जाएगा मेजर और माइनर, अगर मेजर बजा रहे तो साथ में डी शार्प मेजर हो जाएगा, अगर माइनर बना रहे तो डी शार्प माइनर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे। इस तरीके से आप किसी भी गाने का थाट भी पता कर सकते हैं कि अगर गाने में शुद्ध गा लग रहा है तो सिंपल सा आप दिमाग लगाइए कौन से ऐसे थाट है जिसमें गा शुद्ध यूज होता है, बिलावल है, कल्याण है, भैरव है, और ऐसे आप अंदाजा भी लगा पाएंगे कि कौन सा गाना किस थाट के अंदर आता है। सो उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया इस चीज के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई चीज नहीं समझ में लगी तो कमेंट जरूर करिए कि सर आपका जो आपने जो वीडियो डाला है हमें समझ में नहीं आया, आप इसके ऊपर और थोड़ा इजी करके डालिए और मतलब गहराई में सिखाइए और सिंपल तरीके से सिखाइए, मैं डेफिनेटली इसको और सिंपल तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा आपके लिए, मैं इतना सरल कर दूंगा ये चीज को आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कोई भी देखो तो कमेंट करिए। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।